64 BPSC मेंस टेस्ट सीरीज़ है, उसका ये टेस्ट नंबर 3 है हमारा। और इसके आंसर आपको जो है 9 और 10 मार्च तक पोस्ट कर देने हैं टेलीग्राम पे, जिसका नंबर आपको पहले से पता होगा। जिनको नहीं पता है वो देख लें, 8853733387, ठीक है। ये एक टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप अपने आंसर जो है पोस्ट करिए, ठीक है। आंसर पोस्ट करिए या फिर आप लिख के भेजिए सिलेक्टेड, जो 64 BPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ग्रुप में मैक्सिमम जो है 450 लोग हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उन्हीं के साथ आपको भी ऐड कर लिया जाएगा। तो आप जो है इसका पार्ट बनिए और बेनिफिट उठाइए, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ टोटल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नेक्स्ट टेस्ट है जो टेस्ट नंबर 4 है, वो आपको 11 तारीख को मॉर्निंग में पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसको, इसके सभी डायमेंशन को ध्यान में रख के आंसर राइटिंग करें। टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखना चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्य एवं भय की विवेचना कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो है मैक्सिमम लोगों को एक तरह से जो है सेंसिटिव केस होता जा रहा है, लोगों को एक तरह से भय बनता जा रहा है कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं। तो सभी डायमेंशन को आप ध्यान में रखें, इसके आंसर्स को अच्छे से फ्रेम करिए करंट के टच के साथ। इसको करंट के भी जो है जितने भी आप रिसेंट में जो न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए गए हैं या फिर रिसेंट में जो भी उनके विवाद के मुद्दे आए हैं, उन सबको आप समाहित करते हुए आंसर लिखें। इसका इंग्लिश वर्जन है, शुड इंडिया कंटिन्यू टू एक्सपेंड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रोइंग नीड्स ऑफ एनर्जी, डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक केंद्र सरकार की योजना है, उसका नाम है सौभाग्य योजना, उसी के ऊपर है। जैसे कि आपको पता है कि 63rd मेंस में स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये बीपी हर एग्ज़ाम का एक ट्रेंड है, चाहे वो बिहार हो या कोई भी है, कि एक स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसी के रिगार्डिंग है, हम सौभाग्य योजना पे पूछ रहे हैं कि इसी रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि सौभाग्य योजना क्या है, इस योजना को लागू करने से देश के लोगों को क्या फ़ायदे हुए हैं, बिहार की जनता किस तरह इससे लाभान्वित हुई है, चर्चा करें। तो पहले तो इंडिया के रिस्पेक्ट में भी बताना है, फिर बिहार के सेंस में भी, कैसे आपने क्या देखा कि क्या इसका रीसेंट डेवलपमेंट है, क्या इससे फ़ायदा हुआ है, क्या फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इसका क्या है, क्या इससे बेनिफिट होगा, सभी ओवरव्यू लेके आपको आंसर फ्रेम करना है। इसका इंग्लिश वर्जन है, व्हाट इज़ द सौभाग्य स्कीम, व्हाट बेनिफिट्स डिड द पीपल ऑफ द कंट्री हैव आफ्टर इम्प्लीमेंट दिस स्कीम, हाउ डिड द पीपल ऑफ बिहार बेनिफिटेड, ठीक है। तो ये आंसर आपको 10 तारीख की रात तक, रात 8 बजे तक पोस्ट करने हैं, ठीक है। आज 9 है, 9 से लेके 10 तक, रात के 8 बजे 10 मार्च तक आपको पोस्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जो टेस्ट नंबर 4 है, वो आपको 11 की मॉर्निंग पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।